नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आज ये अनाउंसमेंट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली तो अनाउंसमेंट कुछ ये है कि बहुत सारे बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे फॉर अ डेडिकेटेड क्वेश्चन सेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप रेगुलरली सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन तो एक्सेस कर पाते हो, बट बाकी जो अदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है सो उसके लिए हमने ये कुछ प्लानिंग्स की हैं, उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट थी, तो वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जो अभी अपकमिंग 90 दिन के आसपास बचा हुआ है एसएससी जेई के लिए, ठीक है, एंड आरआरबी जेई नोटिफिकेशन विल आल्सो बी कमिंग, एंड गेट का तो फिक्स है, ठीक है, फरवरी में एग्जाम होगा, नेक्स्ट गेट जो 2025 होगा, ठीक है। सो फॉर ऑल ऑफ देम, लाइक आप लोगों को क्वेश्चन देखना है कैसे क्वेश्चंस में अभी तक फ्रेम करते आया हूँ, तो फॉर जस्ट रेफरेंस मैं बताने से पहले आप लोगों को सोचता हूँ क्वेश्चन मुझे दिखाना चाहिए, दैट विल बी मोर प्रॉमिसिंग, राइट। एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लो, ठीक है, सो दैट थोड़ा आइडिया लग जाए आपको कैसे। तो कल हमने एक यूनिट टेस्ट कराया था, ठीक है, सो इन द यूनिट टेस्ट भी क्वेश्चंस देखिए थ्योरेटिकल भी थे, तो ये सैंपल के लिए मैंने कल ऑलरेडी करा चुका हूँ, मैं यूनिट टेस्ट लाइव था ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी हैं, बट मेरा मोस्टली जो है एफर्ट रहता है क्वेश्चंस जितना कंसेप्चुअल हो सके उतना बनाया जाए, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, आपको गेट एसएससी एसएससी सारे लेवल के क्वेश्चंस टेस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, आपको मैंने क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट यू मे नो कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैं ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करने में बिलीव नहीं करता कि आप बहुत इजी क्वेश्चंस फ्रेम कर दूं और बाद में आप उतने टाइम तो बहुत खुश रहो कि अच्छे से बन जाए, बट जब एग्जाम में जाओ कुछ डिफिकल्ट आ जाए तो एट दैट टाइम यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट, राइट। तो फिर मुझे ही गाली दोगे बाद में, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये गेट में आ चुका है, ठीक है, मतलब इस टाइप का कंसेप्ट। उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 7। सो बेसिकली ये एक सेक्शनल टेस्ट था जो हमने कंडक्ट कराया था, आप क्वेश्चन एक बार देख सकते हो, उसके बाद में मैं अनाउंसमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है लाइक दैट, आप थ्योरेटिकल भी देख सकते हो और उसके बाद में न्यूमेरिकल अप्रोच जो है वो भी हमने डिस्कस करी है, ठीक है। तो ये तो लाइव यूनिट टेस्ट था, ठीक है, जो कि हम कंडक्ट कराते हैं जब टॉपिक जैसे अभी इंडेक्स प्रॉपर्टी खत्म हो गया रेगुलर लेक्चर में और उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल खत्म हो गया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए यहाँ पे, लेकिन फॉर दीज मिनी मॉक टेस्ट आप क्विज भी रेफर कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे जाके आप सारे अप्रोक्सीमेट सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड हमने 50 से 55 क्वेश्चंस डिस्कस करें, एंड एवरी क्वेश्चन इज क्वालिटी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बस नींद में उठ के फ्रेम कर दिया गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में आपको मैं लिख के देता हूँ, आपने अगर बहुत अच्छी तैयारी की है तभी आप 50 में से 30 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन ईजी बिल्कुल नहीं है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हैज बीन मेंटेन, राइट। इसीलिए क्वेश्चन कम होते हैं बट आपका जो कंटेंट है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो अभी हम जो मिनी मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे वो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो राइट नाउ वील बी स्टार्टिंग विथ, बहुत लंबे वादे नहीं करने हैं, जितना अभी हम फुलफिल कर सकें उतने वादे करने हैं आपसे, बट बिलीव मी अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मैं पूरा एश्योरेंस देता हूँ आप एग्जाम में अगर कितना भी टफ लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा इन टॉपिक से तो आप बना सकते हो, ठीक है। और एसएससी जेई के लिए तो अभी 90 दिन बचा हुआ है, ठीक है, तो अभी आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स अभी हम स्टार्ट करने वाले इनिशियली, सो दैट विल बी हाईवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल का एसएससी जेई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सेम इज फॉर सॉयल मैकेनिक्स ऑल्सो, ठीक है। और उसके बाद में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो हम सारा गेट और एसएससी जेई को बैलेंस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो पाए, दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर, ठीक है। तो ये मिनी मॉक टेस्ट जो होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा, फिलहाल के लिए फ्रॉम दीज 4 सब्जेक्ट्स वील बी स्टार्टिंग, ओके। और मिनी मॉक जो होगा 5 दिन कंडक्ट किया जाएगा 1 हफ्ते में टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो अभी जाके, दैट विल बी स्टार्टिंग। और फिलहाल अभी तो ये नया एक तरीके से चीज़ है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले भी ऑलरेडी कुछ चीज़ें चल रही हैं, रेगुलर नोट्स जो हैं क्लास के वहाँ पे दिए जाते हैं, अभी जो हमारा टारगेट सॉयल सीरीज चल रही है सॉयल मैकेनिक्स की उससे रिलेटेड,
और वहाँ पे क्विज आपको कंडक्ट कराया जाता है, मिनी मॉक भी ऑलरेडी सॉइल मैकेनिक्स का 3 मॉक अभी कंडक्ट कराया जा चुका है, ठीक है। तो 2 दिन उसमें होगा, 5 दिन आप टेस्ट दोगे, ठीक है, डेली रिवीजन करके, और 2 दिन आप खुद का मतलब एक डेडिकेटेड रिवीजन सेशन जो भी है उसमें आपने जो भी प्लान किया यू विल बी डूइंग दैट, और खुद का एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि हाँ अभी तक मेरी कितनी प्रिपरेशन हो गई, इन 5 दिन में मेरा एफिशिएंसी कैसा रहा, मतलब सारे टेस्ट में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाए। एंड वन मोर क्वेश्चन, ये सब कुछ फ्री है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी चार्ज, राइट, कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है, दिस इज श्योरली फ्री फॉर एवरीवन, राइट। और उसके बाद में फिर टॉपिक जो होगा, ठीक है, वो हम शेयर करेंगे आपको 1 दिन पहले ही, जिससे आप प्रिपरेशन कर सको, तो ठीक ठाक प्रिपरेशन रहे, ऐसा ना रहे बस तुक्का मारने के लिए आ गया, ठीक है। और क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपसे बोला कि मॉडरेट टू टफ होगा, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो और चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हमेशा मॉडरेट टू टफ होंगे। तो आपको बस यही ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको रेगुलर रिवीजन करना है, और उसके साथ में एक डेडिकेटेड, जैसे वो 75 हार्ड वाला चैलेंज अभी बहुत वायरल हुआ था ना, तो वैसा ही कुछ आप प्लान मान के चलो और मेरे साथ में प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। मेरे साथ में, मेरी गाइडेंस में अगर आप प्रिपरेशन करोगे, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट सेक्शन भी ओपन है, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और समथिंग, सो यू कैन शेयर योर डाउट विथ मी 8957602242। सो दिस इज माई नंबर, एंड मोर प्रेफरेबली जो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है उसमें शेयर करोगे आप, तो दैट विल बी मोर नोटिस, राइट। बट इस पे मैं ट्राई करूंगा, आई ट्राई टू गिव मैक्सिमम रिप्लाइज, राइट। तो यहाँ पे ये जो अनाउंसमेंट है उसके लिए मैं बस अभी आया था, एंड आई विल बी जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि इस जो ये वीडियो है उसको आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो सके, ठीक है। और लाइक करना मत भूलेगा, बिकॉज लाइक दिस विल बी इम्प्रूविंग द कंटेंट बेसिकली, ज्यादातर लोगों के पास में जाएगा, तो जितने ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कंटेंट की क्वालिटी और एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू टेक द लाइव सेशन, राइट। तो अभी हमारे चैनल पे टारगेट सॉइल की जो सीरीज है वो चल रही है, ठीक है, उसको आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो, लाइव क्लास 8 से 8:30 बजे कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, और यूनिट टेस्ट भी होता है, मॉक टेस्ट भी होता है, और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए सो दैट वी कैन ग्रो, एंड वी कैन ग्रो टुगेदर, राइट, सो दैट्स व्हाट वी वांट। सो थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय।